हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म इंडस्ट्री। आज हम आपको निम्मी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें द अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिया बेकरार है, चाई बहार है, आजा मोरे वर्मा, तेरा इंतजार है गाने से सिर्फ लता मंगेशकर ही मशहूर नहीं हुई थी, बल्कि जिस एक्ट्रेस पर ये गाना फिल्माया गया वो भी रातों रात छा गई, वह थी निम्मी। राज कपूर की फिल्म बरसात से डेब्यू कर स्टारडम हासिल करने वाली निम्मी 18 फरवरी 1933 में पैदा हुई थी। इनका असली नाम नवाब बानो था। नवाब बानो का स्टेज नाम निम्मी था। अपने जमाने के सभी दिग्गज एक्ट्रेस के साथ काम करने वाली निम्मी का एक वाकया दुनिया भर में मशहूर है। निम्मी को राज कपूर की खोज कहा जाता था। आज एक्ट्रेसेस हॉलीवुड फिल्म ऑफर के लिए बेकरार रहती है, जबकि निम्मी उस दौर में ऑफर ठुकरा चुकी थी। कहते हैं जब किसी को बहुत इज्जत शोहरत मिलती है तो लोग अहंकारी हो जाते हैं। लेकिन 50 और 60 के दशक की मशहूर एक्ट्रेसेस के सिर स्टारडम कभी हावी नहीं हुआ। जब डायरेक्टर्स लाइन लगाए रहते थे तो भी हड़बड़ी में फिल्में साइन नहीं करती थी, बहुत सोच समझकर हाँ कहती थी। उनकी हाँ के इंतजार में निर्देशक कई दिनों तक इंतजार किया करते थे। ये वो दौर था जब किसी फिल्म में निम्मी का होना सफलता का पैमाना माना जाता था। निम्मी की सफलता को ऐसे समझा जा सकता है कि राज कपूर, दिलीप कुमार, सुनील दत्त जैसे दिग्गज एक्टर्स उनकी एक्टिंग के कायल थे। निम्मी ने एक बार कुछ ऐसा किया कि उनकी तस्वीर सुर्खियों में छा गई और हेडलाइन बनी द अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया। अब जानते हैं हॉलीवुड एक्टर को निम्मी ने दिया था तगड़ा जवाब। दरअसल हिंदुस्तान की पहली रंगीन फिल्म आन में निम्मी और दिलीप कुमार की जोड़ी थी। आन को देश के अलावा लंदन के रियाल्टो थिएटर में भी प्रीमियर हुआ था। लंदन में प्रीमियर के मौके पर महबूब खान, उनकी वाइफ और निम्मी मौजूद थे। वहां कई विदेशी स्टार्स भी पहुंचे हुए थे। इस मौके पर हॉलीवुड एक्टर एरन लेजली थॉमसन फ्लीन भी थे। एरन ने बधाई देते हुए अपने रिवाज के मुताबिक निम्मी का हाथ चूमने की कोशिश की, लेकिन निम्मी पीछे हट गई और कहा कि मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ, आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकती। अगले दिन न्यूज़पेपर में हेडलाइन बनी द अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया। ऐसी थी निम्मी। निम्मी ने साल 2013 में एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें हॉलीवुड फिल्मों के ऑफर भी मिलते थे, लेकिन वो मना कर देती थी। निम्मी के पर्सनल लाइफ की बात करें तो प्रसिद्ध लेखक सैयद अली रजा से शादी की थी। सैयद अली रजा ने भी मदर इंडिया फिल्म लिखी थी। निम्मी की शादीशुदा जिंदगी बहुत खुशहाल थी। इनकी कोई औलाद नहीं हुई तो निम्मी ने अपनी बहन के बेटे को गोद ले लिया। 50-60 की मशहूर एक्ट्रेस एक लंबा समय फिल्मी दुनिया में बिताया। 25 मार्च 2020 को निम्मी ने अंतिम सांस ली। हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस को दर्शक आज भी याद करते हैं। अगर फिल्म इंडस्ट्री की ये जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।